नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो मेरी क्लास रहेगी हार्टिकल्चर का, तो हार्टिकल्चर में हम जनरल क्वेश्चन यानी कॉमन क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसी क्वेश्चन को आज हम आगे बढ़ाते हैं उसी लेक्चर से को, क्योंकि कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से पूरी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज उसी के आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक रही है हार्टिकल्चर क्लासिफिकेशन, आप हार्टिकल्चर में जनरल क्वेश्चन चला उसके उसको आगे देखते हैं, फिर पहले कंप्लीट कराते हैं जनरल क्वेश्चन, उसके बाद आप सबको हम पूरा चैप्टर के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नागपुर, यानी हम बता रहे थे आप सबको पिछला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन जो छूट गया था उसको आज हम बता रहे थे, CBRS। क्या बता रहे थे? CBRS, यानी सबसे पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं। क्या सबसे पहले इसका पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन। क्या हो जाएगा? सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन। तो पूछा जा सकता है CBRS का पूरा नाम, ये कहां पर स्थित है, ये देख लेते हैं कहां पर ये अब स्थित है। सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगर पूछा जा सकता कि CBRS का पूरा नाम सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। उसके बाद हम आगे देखते हैं, कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा, यानी कर्नाटक या कर्नाटका इज द लीडिंग, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा, सपोटा हो जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना, पूछे इसमें ये बता रहा है कि कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा, यानी कर्नाटक एक ऐसा राज्य जो सबसे अधिक सपोटा का प्रोडक्शन करता है। किसका? सपोटा का उत्पादन करता है। तो अगर पूछ लेता कि सपोटा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो कर्नाटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? कर्नाटका हो जाएगा। इसका पोटेंशियल हो जाएगा एक्ट्रेस सपोटा, इसको आप सबको हम पूरा जब करा पढ़ाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। ये भी हमारा एक फल के अंतर्गत आता है। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे सपोटा क्या होता है, तो ये क्या फल के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा सभी फ्रूट आते हैं वैसे हमारा ये सपोटा भी एक फल है। तो बच्चों आप सब इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, अगर नोट्स बना रहेंगे तो आप सबके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। अब आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन आ जाता है कि एप्पल ऑफ बाउल, सेब का कटोरा किससे का, ये क्वेश्चन आ जाता है कि एप्पल ऑफ बाउल, एप्पल ऑफ बाउल, एप्पल ऑफ बाउल से मतलब क्या हो जाएगा? सेब का कटोरा। क्या हो जाएगा? सेब का कटोरा। तो सेब का कटोरा हम किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो इसको नोट कर लेना। तो पूछा जा सकता है कि सेब का कटोरा किसे कहते हैं, तो सेब का कटोरा हम किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आलमंड इज क्रॉस पोलिनेटर कर, आलमंड मतलब क्या होता है? बादाम। आलमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बादाम। आलमंड इज क्रॉस पोलिनेटर कर, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप मतलब हो जाएगा हमारा पर परागित फसल। क्या? पर परागित फसल। अब क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप किसके द्वारा, भाई अगर पूछ लेता किसके द्वारा होता है, भाई हनी बी, हनी बी, हनी बी मतलब मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो यहाँ पर तो आपके दो क्वेश्चन बन गए कि आलमंड या जो बादाम होता है क्या सेल्फ पोलिनेटेड या क्रॉस पोलिनेटेड, तो क्या हो जाएगी? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हो जाएगी। अब भाई किसके द्वारा होता है, इसमें परागण होता है किसके द्वारा, मानते क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है,
तो इसमें परागण किसके द्वारा होता है? हनी बी यानी मधुमक्खियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? हनी बी या मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र। अगला क्या आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बोला जाता है। क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इसे शॉर्ट कट में क्या बोला जाता है? एमएच। क्या बोला जाता है? एमएच यानी महाराष्ट्र या महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ प्रोड्यूसर। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप एंड पोमग्रेनेट। ग्रेप एंड पोमग्रेनेट। और ग्रेप मतलब आप सबको पता होगा क्या होगा? अंगूर। और पोमग्रेनेट मतलब क्या हो जाएगा? अनार। क्या हो जाएगा? अनार। इसको आप जरूर ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स एंड पोमग्रेन। यानी महाराष्ट्र जो राज्य जो सबसे अधिक भारत में उत्पादन किसका करता है? अंगूर और अनार का उत्पादन करता है। तो यहाँ से ये भी इस तरह पूछा जा सकता है कि अंगूर और अनार का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है या किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में हो जाएगा? हमारा महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो महाराष्ट्र का मतलब क्या? ये धारणा महाराष्ट्र यहाँ पर अगर राजधानी पूछ लेता कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगा? मुंबई। तो इसको भी हम नोट करते चलिएगा। अगर बाई चांस कभी पूछ लेता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। तो हमने जो भी क्वेश्चन आप सबको बता रहे इसको आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कैसा हम आप सबको पढ़ा रहे हैं इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हम आगे देखते हैं। यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड इन द वर्ल्ड। यानी यूएसए जो होता है तो इसको अब हम बता रहे हैं यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर आप आलमंड इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड मतलब विश्व की यहाँ बात हो जा रही। किसकी? विश्व की बात हो जा रही। तो अगर मतलब यह आलमंड मतलब बादाम। क्या हो जाएगा? बादाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादाम हो जाएगा। तो यहां पर बता रहा कि यूएसए जो देश है, यूएसए क्या है? देश है जो सबसे अधिक आलमंड का उत्पादन करता है। किसका? आलमंड का उत्पादन करता है। तो पूछा जा सकता है कि आलमंड का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में कहां पर होता है? किस देश में होता है? भारत, चाइना, अमेरिका, कहां पर है? तो यूएसए में होता है। क्या हो जाएगा? यूएसए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है फिग। क्या हो जाएगा? फिग। अब फिग मतलब क्या होता है? अंजीर। फिग मतलब क्या हो जाएगा? अंजीर हो जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। फिग इज द हाईएस्ट फाइबर कंटेंट। फिग इज द हाईएस्ट फाइबर मतलब रेशा। हाईएस्ट फाइबर कंटेंट एमंग मतलब मुकाबले ऑल फ्रूट्स। All fruits। तो फिग एक ऐसा फल है जो सभी फलों के मुकाबले क्या होता है? सभी फल। फिग इज द हाईएस्ट फाइबर कंटेंट मतलब सबसे अधिक रेशा पाया जाता है एमंग ऑल फ्रूट्स मतलब सभी फलों के मुकाबले अगर देखा जाए, अगर कंपेरिजन किया जाता सभी फलों के कि किस फल में सबसे अधिक फाइबर या रेशा पाया जाता है, तो किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है फाइबर? तो किसमें पाया जाता है? फिग या अंजीर में पाया जाता। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि सबसे अधिक फाइबर या रेशा किस फल में पाया जाता है। तो सबसे अधिक फाइबर या रेशा किस में पाया जाता है? हमारा फिग या अंजीर में पाया जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं
होता है डिसिड्यूस क्रॉप, क्या होता है डिसिड्यूस क्रॉप होता है, इसको भी इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेप इज द मल्टी सीडेड, मल्टी सीडेड बेरी होता है, ग्रेप इज मल्टी सीडेड बेरी। इसका मतलब यहां पर हम जान लेते हैं कि अंगूर जो होता है मल्टी सीडेड मतलब एक से अधिक होता है, और इसके फल का प्रकार क्या होता है बेरी होता है। यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि ग्रेप इज द मल्टी सीडेड मतलब ग्रेप में एक से अधिक बीज पाए जाते हैं, और इसके जो इसके फल का प्रकार क्या होता है बेरी होता है। टाइप ऑफ फ्रूट अगर पूछ लेता तो क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार क्या होता है बेरी होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कीवी फ्रूट एक आता है, कीवी फ्रूट क्या हो जाएगा, कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट इज द नेशनल, कीवी फ्रूट इज द नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, किसका हो जाएगा न्यूजीलैंड का हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता कि कीवी फ्रूट इज द नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, यानी कीवी फ्रूट जो होता है किस किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक या किसका राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल मतलब राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा किसका, न्यूजीलैंड एक देश है आप सबको पता होगा जहां पर क्रिकेट मैच भी वहां से खेले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से इसको ध्यान रखना, यानी पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय या नेशनल सिंबल राष्ट्रीय फल कौन सा है, हमारा कौन सा हो जाएगा कीवी फ्रूट, क्या हो जाएगा कीवी फ्रूट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है किंग ऑफ फ्रूट, पूछा जा सकता है किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, तो किंग ऑफ फ्रूट मतलब क्या हो जाता है फलों का राजा, क्या हो जाएगा फलों का राजा। तो फलों का राजा हम किसे कहते हैं, मैंगो, किसे बोला जाता है मैंगो या आम को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, किंग ऑफ फ्रूट या फलों का राजा किसे कहते हैं, तो आम को कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर और बात है पूछा जा सकता है कि बाथरूम फ्रूट किसे कहते हैं, बाथरूम फ्रूट्स इज कॉल्ड, यानी बाथरूम फल किसे कहते हैं, क्या बाथरूम फ्रूट इज कॉल्ड यानी बाथरूम फल किसे कहा जाता है, तो बाथरूम फल किसे कहा जाता है मैंगो या आम को, इसे कहा जाता है मैंगो या आम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह होता है कि हाथ लोग आम खाने के बाद क्या होता है हाथ धुलने कहाँ पर जाते हैं, तो बाथरूम में जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बोला जाता है बाथरूम फ्रूट या बाथरूम फल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है, बाथरूम फ्रूट किसे कहा जाता है, तो आम को कहा जाता है। तो आज की जो मेरी क्लास आप सबको हॉर्टिकल्चर की जो 15 मिनट चली होगी लगभग, ये क्लास कैसी रही आप सब इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये क्लास कैसी चली, आप सबको पढ़ाई कैसी लगी।